जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद। आई एम GGKWH गौरव। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, तो हम मेरा बाबा माँ भाई सभी जा रहे हैं दुर्गा पूजा का मार्केटिंग करने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं दुर्गा पूजा का मार्केटिंग करने के लिए और क्या क्या ले रहे हैं ये हम आपको दिखाएं, तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। तो हम लोग सभी तैयार हो चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं माँ बाबा दोनों तैयार हो चुके हैं, हम भी तैयार हो गए हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, कंटिन्यू रहिए। माँ और बाबा जा रहे हैं बाइक पर और हम और मेरा भाई दूसरे बाइक में जाएंगे। अभी निकल रहे हैं बाबा और माँ, फिर नेक्स्ट हम और भाई निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ पर मार्केटिंग होगा, तो कंटिन्यू रहिए। भाई भी निकल रहा है गाड़ी लेके और हम लोग दोनों निकलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पर और भाई गाड़ी चला रहा है और हम भी बैठे हुए पीछे, बैठ के बहुत ही मज़ा लग रहा है। ऐसे तो गाड़ी चलाते ही रहते हैं, तो हम लोग का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम लोग पहुँच चुके हैं, हम और भाई और बाबा माँ भी पहुँच चुका है। ऊपर का शॉपिंग मॉल है, वहीं पर हम लोग घुसेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या लेते हैं हम लोग, फिर आगे की और दिखाते हैं आपको, तो कंटिन्यू रहिए। ये दुकान बलियापुर में है और ये दुकान का नाम है राजू वस्त्रालय और इसी का और एक दुकान है, वो बलियापुर हटिया के पास है, उस दुकान का नाम है पवित्र राजू वस्त्रालय। हम लोग जब भी शॉपिंग करते हैं यही दो दुकानों में ही करते हैं, अगर इसमें कुछ ना मिले तो ही किसी दूसरे दुकान में हम लोग जाते हैं। यहाँ पर माँ दादी के लिए साड़ी चुन रही है, कौन वाला अच्छा रहेगा कौन वाला नहीं, तो फिर देखते हैं। अभी तो पसंद किया है वो वाला, वहाँ जो सफ़ेद कलर का रखा हुआ वो, और भी देख रही है और आगे क्या क्या लेते हैं हम लोग वो भी देखते हैं। और मेरे बाबा यहाँ पर है, भाई यहाँ पर देख रहे हैं इधर उधर हो रहा है, तो आगे दिखाते हैं हम। ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप लोग देख रहे हैं ये हम लोग का घरेलू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि कभी मन करता है, अभी तो दुर्गा पूजा का मौसम है, आप भीड़ देख सकते हैं किस तरह का है, और ऐसे टाइम में भी दुर्गा पूजा हो या दिवाली हो कभी भी क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी कपड़ा होता है दो चार पीस ले जाते हैं घर में, घर में देख लेता है कौन वाला पसंद है, फिर जो वाला पसंद आता है घर में रख लेता है, फिर दुकान लेके हम लोग रख देते हैं दुकान में आके, क्योंकि हम लोग का जो ये दुकानदार है भेड़ बोल रहे हैं बैठे हुए हैं, ये बहुत ही मैंने घर का मतलब घर जैसा हो गया ये दुकान हम लोग का, मतलब जो मन तो हम लोग लेके घर भी चल जाएंगे तो कुछ बोलता भी नहीं है, इस तरह का हो गया है। तो और यहाँ पर देख सकते हैं भाई देख रहा है और आगे क्या क्या लेता है वो भी हम आपको दिखाते हैं, तो कंटिन्यू रहिए। यहाँ पर सभी कपड़ा मिल ही जाता है, जो खोजते हैं वही मिल जाता है, बाय चांस अगर कुछ कपड़ा नहीं मिलता है तो ही हम लोग दूसरे दुकानों में जाते हैं अथवा नहीं जाते हैं। भाई बोला टी शर्ट लेंगे, तो अभी टी शर्ट का चुनाई हो रहा है, भाई मिलता है कौन वाला पसंद करता है टी शर्ट, तो उसके बाद हम आपको अब इनका पसंद होने के बाद फिर मेरा बारी आएगा, हम भी देखते हैं क्या लेते हैं। ये वाला भाई का पसंद आया और बोलो है यहाँ पर रखा हुआ, ये जी शर्ट भाई का पसंद हुआ, मेरा पसंद का बारी आ गया है, हम भी पसंद कर लेते हैं फिर आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भाई का कैटलॉग दिखाया जा रहा है, कौन वाला ले कौन वाला ले कैटलॉग, और कैटलॉग में पसंद कर रहा है ब्लैक वाला पसंद किया है, यहाँ पर निकाल रहा है कि आप निकाल के दिखा रहा कैसा लग रहा है, ये देखिए हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक में, तो भाई का ये पसंद हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या क्या पसंद हो रहा है। तो फाइनली ये वाला पसंद हो गया है भाई को और आगे क्या होता है ये भी हम आपको दिखाते हैं, हमको ये पसंद आ गया ब्लैक कलर का, और अब देखते हैं शर्ट कौन सा पसंद आता है, फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं हम। टी शर्ट पसंद हो चुका है मेरा, ये बहुत सारा दिखाया, पसंद आया ये वाला, और आगे भी हम देखते हैं क्या क्या लेते हैं, तो कंटिन्यू रहिए। ये साड़ी देख रहा है मेरे माँ नौकरानी के लिए, हम लोग घर में जो नौकरानी है उनके लिए है, तो पसंद कौन वाला तो वो भी देखते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं हम। यहाँ पर मेरे पापा चाचा के लिए लुंगी देख रहा है, तो लुंगी भी देख लेते हैं कौन वाला है क्या अच्छा है, तो बाबा चाचा के लिए दो
पसंद हो चुका है लूँगी, और आगे क्या होता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोग का शॉपिंग हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंकल बिल बना रहा है, और क्या हो रहा है जाने देखते हैं, फिर आपको आगे हम दिखाते हैं। तो कंटिन्यू रहिए। तो हम लोग का सबका हो चुका है शॉपिंग, और हम लोग अब निकल रहे हैं घर की ओर। सो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ रखे हुए हैं अपना सामान जो जो लाए कपड़ा, और जो दुकान में हम लोग थे वहाँ पर पूरा जनरेटर में कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा था, फिर भी हम आप लोग को दिखाएं बताएं क्या है क्या नहीं। और वो जो दुकान में जिस दुकान में हम लोग गए थे वो दुकान है मेरा स्कूल का क्लासमेट का दुकान, मतलब उसका पापा बैठे थे जो कैश काउंटर में थे, उसका पापा था, मतलब मेरा स्कूल का जो क्लास फ्रेंड था उसी का पापा है वो जो कैश काउंटर में थे। और उनका और एक भाई, मतलब जो कैश काउंटर में थे अंकल, उनका और एक भाई का दुकान है, वहाँ भी जाते हैं। मतलब हम लोग दोनों ही, मतलब दो ही दुकान में हम लोग अधिकतर हम लोग कपड़ा लेते हैं। अधिकतर क्या, पूरा कपड़ा मैंने शॉपिंग मॉल बोलने से हम लोग का पूरा दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, शादी विवाह जो भी होता है वहीं से हम लोग, मैंने दो भाई के दुकान से हम लोग कपड़ा लेते हैं, और कहीं से लेते नहीं। और कहीं कहीं इधर उधर होगा तो हुआ, लेकिन मैंने ज़्यादा अधिकतर वहीं से हम लोग लेते हैं। और अभी तो घर पहुंच चुके हैं, और आप लोगों को कैसा वीडियो लगा बताइए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और जो जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।